गाइस, मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज जो मामला हमारे सामने आ रहा है वो कोरोना वायरस और प्रेमियों को लेके है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका से लगातार मिलता रहा और जब उसकी रिपोर्ट सामने आई तब सबके होश उड़ गए। चलिए जानते हैं ये होश उड़ाने वाली खबर क्या है, पूरी अपडेट के बारे में आपको बताएंगे। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कोरोना वायरस भाग जा करके कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। हम बात कर रहे हैं आज ऐसे प्रेमी के प्रेमिका प्रेमी और प्रेमिका के बारे में जिन्होंने लॉकडाउन का तो उल्लंघन किया पर उसी के साथ साथ अपने फैमिली वालों को और अपने आप को काफी ज्यादा विपदा में डाला। ये जो मामला है हमारे सामने बिजनौर से आ रहा है। बिजनौर में एक लड़का काम किया करता था और उस दौरान ही बिजनौर में एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई और उससे प्यार हो गया। वैसे वो लड़का जो है वो केसरा निवासी है, केसरा का रहने वाला है। लॉकडाउन लगा और वो चला गया अपने घर पे, थोड़ी ही दूर है वहां पर उसका घर, और वो लगातार लॉकडाउन में वो मिलने के लिए अपनी प्रेमिका से आता था और प्रेमिका को मिलके चला जाता था। और वहां पर जो कि बिजनौर में, जब वहां पर डॉक्टर्स वगैरह आए सबकी चेकिंग करने के लिए तो उनको हिंट मिली थी, तो वहां पर आने के बाद बिजनौर में लड़की की टेस्ट हुए और टेस्ट होने के साथ साथ उसको वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। और उस दौरान आप खुद सोचिए कि वहां पर पूरे गांव में कितनी हड़कंप मची होगी, और उनसे लिंकअप में आए लोगों को भी क्वारंटीन करवाया गया और उनको क्वारंटीन सेक्टर भेज दिया गया है अभी बिजनौर के। और उस दौरान ही लड़की से जब उसकी ट्रैवल हिस्ट्री यानी कि उसके किन किन लोगों के संपर्क में आई है तब पूछा गया, तब उसने अपना मुंह खोला कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि केसरा निवासी है, केसरा में रहता है, तो वो भी उससे रोज मिलने के लिए आता था, तो आप उसका भी चेकअप जरूर कीजिए। हालांकि लड़की ने काफी समझदारी की बात की, आखिरकार वो लड़की डरी नहीं और उसने बहुत ही अच्छी बात की है कि लड़के का नाम ले लिया है। और जब लड़के के बारे में पता चला, जब वहां पर गए तब लड़के के परिवार को भी क्वारंटीन सेक्टर भेज दिया गया, इसके कारण लड़के का पूरा घर और उसके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया है। भैया, आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि एक्चुअली में ये सब चीजें जो हो रही हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक है, किसी के संपर्क में ना ही आइए तो अच्छा है। आजकल तो बोलते हैं कि पति पत्नी भी आजकल दूर रहने लग गए हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि सरकार ने बोला है सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखो। तो गाइस, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना हमेशा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।